नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि में आज सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दिनांक 3 नवंबर के लिए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आज के दिन के जो शुभ काल, जिसे हम विजय काल भी कहते हैं, वो है दोपहर 12:10 से लेकर 12:34 तक। और अशुभ काल, जिसे हम राहु काल भी कहते हैं, वो है सुबह 9:00 से लेकर 10:30 तक। आज के दिन जो चंद्रमा है, चंद्रमा संपूर्ण दिन सिंह राशि में भ्रमण करेगा और आज के दिन चंद्रमा और नेपच्यून का प्रतियोग होने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले राशि है मेष राशि। मेष राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के लाभ भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। तो आज का आपका दिन बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही शुभ होगा। जिस तरीके से आज आप दिन बिताना चाहोगे उसी तरह से दिन बीतने वाला है और किसी भी प्रकार का टेंशन आज आपको आने वाला नहीं है। बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ है। सिर्फ अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो किसी भी प्रकार के बड़े डील नहीं करना। आज के दिन आप जिस विषय में रुचि रखते हो इस विषय का आनंद लेने वाले हो। मतलब आज आपका जो दिन है वो अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो जिस तरह से आप दिन बिताना चाहते हो उसी तरह से आपका दिन बीतने वाला है। आनंदमय दिन है, उसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के दशम भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह जो चंद्रमा है, यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। तो जो वृषभ राशि के व्यक्ति होंगे वो आज के दिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो पूरी तरह से आनंद या फिर आराम करना चाहेंगे। पूरी तरह से घर पे रहेंगे या घर के जो मामले हैं उसमें थोड़ा सा विचार करेंगे, घर के लोगों के बारे में सोचेंगे, उनके जो भी नीड्स है उसके बारे में सोचेंगे। तो मेरे ख्याल से पूरी तरह से आप घर के ऊपर आप फोकस करोगे और जो भी आप काम कर रहे हो उस पर ज्यादा फोकस न होते हुए घर के जो मामले हैं उसी के ऊपर आप आज ज्यादा सोचोगे। तो आज का आपका दिन वैसे ही आराम से बीतेगा, कोई बड़ा कष्ट नहीं होगा। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो आज का आपका दिन है वो अच्छा ही है। उसके बाद की जो राशि है वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के भाग्य भाव में जो नेपच्यून है उस नेपच्यून के साथ यह जो चंद्रमा, यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। तो जिस विषय पर आप काम करते हो उसी के ऊपर पूरी तरह से ध्यान लगाकर काम करोगे और विचलित थोड़ा बहुत आप हो सकते हो। अगर आप किसी यात्रा के बारे में सोच रहे हो, छोटी मोटी यात्रा के बारे में, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि उसमें कुछ आपके जो शेड्यूल रहेंगे वो शेड्यूल चूकने के ज्यादा चांसेस है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आज के दिन आपका खर्चा हो सकता है और वह खर्चा आपके फैमिली के ऊपर हो सकता है जो कि सकारात्मक है। गृहिणियों के लिए, जो महिला है उनके लिए भी आज का दिन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शुभ है। आज आप पूरी तरह से जो काम करते हो, मतलब घर के अगर काम करते हो तो उसी के ऊपर ध्यान दोगे और उसी में आप दंग रहोगे। सिर्फ आपके मन में थोड़ा बहुत यह विचार होगा कि घर के जो मामले हैं, घर पर थोड़ा खर्चा किया जाए, घर का जो बाकी का जो भी जिस विषय पर आप सोच रहे हो घर के मामले में थोड़े बहुत खर्चे उस विषय पर आज होने वाले हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के अष्टम भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह जो चंद्रमा, यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। किसी विषय में आप अगर स्ट्रेस लेते हो, किस विषय के ऊपर आप सोच रहे हो तो उसके ऊपर आज थोड़ा सा आपका सोचना, थोड़ा सा स्ट्रेस आपको ज्यादा आ सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल जो बड़ी डील्स होती है वो आज के दिन नहीं करना। आपके जो अंदाज होते हैं, अंदाज चूकने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मोटे तौर पर देखा जाए तो दिन बहुत अच्छा है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर आप थोड़ा सोचते हो, थोड़ा इमोशनल हो जाते हो, उसी तरीके का आज का दिन है। किसी छोटी छोटी बातों से आज आप पूरी तरह से आज का आपका दिन है वो सोचने में ही लगेगा। हालांकि बड़े ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे, लेकिन आपकी जो सोच है उसी के कारण थोड़ा बहुत आप स्ट्रेस महसूस करोगे। इसके बाद की जो राशि है वह है सिंह राशि। सिंह राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के राशि के सप्तम भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। तो किसी विषय पर अगर आपको खर्चा करना है, कोई बड़े डिसीजन लेने हैं, तो आज आप किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना क्योंकि वह डिसीजन चूकने की संभावना बहुत ज्यादा है। किसी भी प्रकार के बड़े अगर कोई प्रोमिसेस हो, कोई कमिटमेंट हो, तो आज के दिन नहीं करना क्योंकि आज का पूरा दिन है। उस पूरे दिन में आपको लग सकता है और आपको इंट्यूशंस भी आ सकती है जो भी आप डिसीजन ले रहे हो वो सही होने वाले भी है या नहीं। लेकिन आपका जो नेचर है वो नेचर इस प्रकार का है कि अगर किसी के साथ आपने कमिट कर दी तो आप वो बात पूरी कर देते हैं। लेकिन इसी वजह से आज के दिन किसी भी प्रकार के कमिटमेंट या फिर प्रॉमिसेस जो बोलते हैं वो नहीं करना क्योंकि चूक सकते हो। अगर खास करके अगर आप जो
बिजनेस में हो, मतलब पार्टनरशिप के अगर बिजनेस में हो, तो आज के दिन यह बात आपको ज्यादा याद रखनी आवश्यक है। तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। बाकी जो आपका दिन है वो अच्छा ही गुजरेगा, पैसे के मामले भी अच्छा ही गुजरेगा। जो गृहिणी है उन गृहिणी के लिए, खास करके उनके जो लाइफ पार्टनर रहेंगे या फिर वैवाहिक जोड़ीदार होंगे, उनके साथ थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है या अनबन मानसिक तौर पर हो सकती है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि छोटी मोटी बातों पर आपका जो गुस्सा है वो थोड़ा सा उभर कर सामने आता है। तो आज के दिन इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सिर्फ आज ही का दिन है, कल से आपके जो भी प्रॉब्लम्स है आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके लिए वो नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आपके षष्ठ भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह जो व्यय भाव का चंद्रमा है, यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी राशि के लिए भी कोई भी बड़ी ऐसी जो पैसे के लेन देन का मामला है वो नहीं करना, क्योंकि आप आज 100% चुकने वाले हो। क्योंकि मैंने कर्क राशि और सिंह राशि के बारे में यही बात बताई है, लेकिन आपके लिए ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। इसकी वजह से जो आप डिसीजन आप लोगे वो चूकेंगे जरूर, जिसकी वजह से आर्थिक हानि आपकी हो सकती है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। और कोई आपके अगर मित्र परिवार किसी भी प्रकार का जो एडवाइस जो बोलते हैं वो अगर आज आपको देते हैं तो उसके ऊपर अमल नहीं करना, क्योंकि वह भी डिसीजन आपके आज मिस्टेकन हो सकते हैं, ध्यान देना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वह है तुला राशि। तुला राशि के लाभ भाव से चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के पंचम भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह जो लाभ भाव का चंद्रमा, यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। बहुत अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ है। जिस प्रकार से आपके जहां पर आप काम करते हो, बिजनेस करते हो, वहां का जो वातावरण है वो चल रहा है, उसी प्रकार से चलना। कि कोई किसी व्यक्ति से आप किसी व्यक्ति ने आपको उसके बारे में कुछ कहा तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, क्योंकि आपके जो मिस्टेक है, मतलब आप उससे थोड़ा बहुत विचलित हो सकते हो। तो कोई किसी भी प्रकार से डिसीजन, बड़े डिसीजन नहीं लेना। अगर आप नौकरी करते हो, आपका बिजनेस है, कोई भी प्रकार के आपके उदर निर्वाह का साधन हो, तो वहां के जो सदस्य रहेंगे उनके बारे में, उनके जो एडवाइस रहेंगे उसके ऊपर अमल नहीं करना, क्योंकि उसमें आप विचलित हो सकते हो, आपको स्ट्रेस आ सकता है। तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना। जिस प्रकार के आपका जो पूरी तरह से जो बिजनेस या फिर आप नौकरी कर रहे हो उसी के ऊपर फोकस करना, बाकी चीजें आप थोड़ी दूर ही रखना। तो मेरे ख्याल से आज का आपका दिन अच्छा ही गुजरेगा। दूसरी बात, अगर आप किसी, जिसे हम प्रत्यक्ष लाभ बोलते हैं, इसके ऊपर अगर आप देख रहे हो तो आज का दिन उतना अच्छा नहीं है। जो लाभ की जो बातें हैं मेरे ख्याल से 3-4 दिनों के बाद आपको प्रत्यक्ष रूप में हाथ में आ सकती है। इसके बाद की जो राशि है वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के चतुर्थ भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह जो चंद्रमा है, यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। आप जहां पर काम करते हो वहां पर ऐसी कुछ परिस्थिति निर्माण हो सकती है, हालांकि वो छोटी मोटी हो सकती है, जिसके ऊपर से आपको थोड़ा स्ट्रेस आ सकता है, आपके काम में मिस्टेक्स हो सकती है, जिसकी वजह से आपके जो सुपीरियर रहेंगे उनसे आपको डांट भी पड़ सकती है या फिर थोड़ा बहुत आप स्ट्रेस भी ले सकते हो। तो थोड़ा बहुत इस विषय पर ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि ये जो बात है वो सिर्फ एक दिन के लिए रहेगी, लेकिन आपकी जो राशि है वो राशि थोड़ी सी एटीट्यूड वाली है, मतलब आपको हमेशा लगता है कि मैं कभी मिस्टेक नहीं करता, लेकिन मिस्टेक हो जाए और कोई आपको बोल दे तो आपको थोड़ा वो बात आप थोड़े से मन पे लेते हो। तो आज के दिन आज का वही दिन है, तो थोड़ी छोटी मोटी बातों से अपने खुद को ज्यादा स्ट्रेस में नहीं लाना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। इसके बाद की जो राशि है वह है धनु राशि। धनु राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के तृतीय भाव में जो नेपच्यून है उस नेपच्यून के साथ यह जो चंद्रमा, यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। आज किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना। अगर यात्रा पर जाना चाहते हो तो पूरी तरह से वर्कआउट करना कि किस तरह से आप जो यात्रा करने वाले हो पूरी तरह से होने वाले भी है या नहीं, या फिर आज आपके लिए यात्रा पर जाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप टाल सकते हो तो आप आज के दिन, अगर आप ये जो बड़ी यात्रा है या फिर छोटी भी यात्रा है अगर टाल सको तो टाल लो। और दूसरी महत्वपूर्ण, किसी भी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो आज के दिन थोड़े बहुत, मतलब उसके ऊपर अच्छे तरह से सोच विचार करके ही बात आगे बढ़ाना। और अगर आप कोई भी किसी भी प्रकार का मेजर डिसीजन लेते हो तो उसके ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। बाकी जो आपका दिन है, जो दिन है वो अच्छा ही बीतेगा। इसके जो बाद की जो राशि है वह है मकर राशि। मकर राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के द्वितीय भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह जो चंद्रमा है, यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके साथ थोड़ा बहुत आपके, मतलब विवाद नहीं होंगे, लेकिन उनके बारे में थोड़े प्रश्न चिन्ह आपके आपके
मन में उपस्थित हो सकते हैं कि आप वो आपके साथ पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी से नहीं पेश आती, पूरी तरह से आपको बात नहीं बताती, या जो छोटे मोटी बातें हैं वो आपके मन में आ सकती है। दूसरी बात, आपके सेहत के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। बाकी अगर देखा जाए तो जो आपका समय है बहुत ही अच्छा है, एक आध दो दिन की बात है, बाद में इसके बारे में जो भी आपकी वैवाहिक जोड़ीदार के बारे में जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं वो नॉर्मली होते जाएंगे। अगर आप पार्टनरशिप में हो तो पार्टनर से लेकर थोड़ा बहुत आज के दिन सजग रहना आवश्यक है, मतलब उनकी जो एडवाइस वगैरह रहेगी उसके ऊपर आज के दिन अमल नहीं करना, थोड़ा एक दो दिन रुकना, इसके बाद में अगर आपको सही लगे तो वह जो उनकी जो राय होगी, उनकी जो एडवाइस होगी उसके ऊपर आप अमल करोगे तो चल सकता है। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि में स्थित जो यह जो नेपच्यून है, नेपच्यून के साथ आपके सप्तम भाव का जो चंद्रमा है, यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। तो अगर आप विवाहित हो तो आज का दिन इतना अच्छा नहीं है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके साथ आपकी आज अनबन हो सकती है, उनके साथ विवाद भी हो सकते हैं, और कारण ऐसे देखा जाए तो कोई वास्तव में ऐसा कारण नहीं होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि उनके बारे में कुछ ना कुछ ऐसे विचार रहेंगे जिसकी वजह से आपको आप उनके साथ मतलब लड़ सकते हो या फिर विवाद हो सकते हैं। तो एक बात ध्यान में लीजिए कि ये जो बातें रहती है वो मन की ज़्यादा रहती है, प्रत्यक्ष रूप में नहीं रहती। इसके लिए अगर आपके मन में किसी विषय को लेकर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ ऐसे बातें आ जाए तो थोड़ा सा विचार करो, और जो भी आपको बात करनी है वो आज के दिन नहीं करना, क्योंकि कल के दिन मतलब 4 अक्टूबर के दिन यह जो परिस्थिति है वो बदल भी सकती है। तो आज के दिन ऐसी कोई भी बात नहीं करना जिसकी वजह से घर में थोड़े से विवाद हो सकते हैं, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। तो बाकी का जो दिन है जहाँ पर आप काम करते हो या फिर नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, वह जो दिन है आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शुभ है। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आपके वैवाह भाव में स्थित नेपच्यून है, वह नेपच्यून उसके साथ प्रतियोग करने जा रहा है। तो आज का आपका जो मूड रहेगा वह इतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आपके राशि के मूड स्विंग भी जल्दी जल्दी हो जाते हैं, तो मूड आपका अच्छा नहीं रहेगा। हालांकि प्रत्यक्ष कारण भी उतने मतलब सजग नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी आपके मन में थोड़े बहुत ऐसे कुछ छोटे मोटे कारण रहेंगे जिसकी वजह से आज थोड़े बहुत आप अकेला रहना पसंद करोगे, जिसे हम लोनलीनेस कहते हैं। आज आप अकेला रहने पसंद करें, आपके मन के जो दुख रहेंगे किसी के साथ शेयर नहीं करोगे, वही बात रहेगी, छोटी छोटी बातों से लेकर आप थोड़े बहुत परेशानी में हो सकते हैं। हालांकि यह जो परेशानी है, यह परेशानियां कल से नॉर्मल भी हो जाएगी, लेकिन आज का जो दिन है वो दिन थोड़ा बहुत आप लो ऑफ कॉन्फिडेंस बोलिए या फिर थोड़ा बहुत परेशानी में हो सकते हो। तो मित्रों, ये था 12 राशियों का राशिफल दिनांक 3 नवंबर के लिए। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, आपको बेल आइकन भी दिखाई देगा वो भी दबा देना, जिसकी वजह से अपने चैनल के जो नए नए वीडियोस हर दिन अपलोड होते हैं उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिलती रहेगी। धन्यवाद।